हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 है, इसके प्रथम प्रश्न पत्र को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, पहले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को लेकर के हम लोगों ने काफी कुछ लेक्चर कर चुके हैं, अब मध्य प्रदेश के भूगोल को भी लेकर के 5 लेक्चर हो चुके हैं। छठे लेक्चर के रूप में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की भू संरचना के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेबस को अच्छे से, चूंकि सिलेबस भी मैंने आपको भेजा हुआ, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित उसकी जलवायु क्या है, वर्षा क्या है, सिंचाई के साधन क्या है, ऊर्जा के जो संसाधन है परंपरागत और गैर परंपरागत, और साथ ही साथ में वन पर्वत और नदियों के बारे में पूछा गया। तो ये पार्ट है जिसको आपको डिस्कस करना है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये ज्योग्राफी का पार्ट, अगर ज्योग्राफी के बाद में अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास जानने के लिए, वो कहाँ पे कौन सी चीजें घटित हुई, तो वो भूगोल जानना जरूरी होता है, क्योंकि उसी भूगोल पर ही इतिहास बनता है। ठीक है, तो वहां की भू संरचना के बारे में जान लेना ज्यादा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश, देखिए एक चीज ये क्लियर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जान करके चलें कि आपको पता है कि कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको अब हम लोग फोकस कर लेते हैं कि 150 क्वेश्चन आपका, ये आपका सोशियो का, ठीक है, 150 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपका जीएस वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, जो जीएस का पार्ट है प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन छात्रों एक एक क्वेश्चन चार चार नंबर का है, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो सोशियो के क्वेश्चन हो, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 600 हो जाएगा, और चाहे यहाँ पर इसकी बात करें तो 54 जो 200, यानी टोटल मिला करके 800 का ये पेपर आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 800 का होने वाला है। तो इसमें आप एक महत्वपूर्ण चीज, जो बड़ा ही क्लू पॉइंट है, वो आप ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, उसके बाद इसको पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पर ये जो चार नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स, ये छात्रों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जब कभी 1 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब नंबर के बीच में, जो परसेंटेज के बीच में, पॉइंट के बीच में ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, लेकिन जब एक यूनिट की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो ज्यादा कंसीडरेशन होता है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की वैल्यू, आप सभी लोगों को पता है कि जो 150 क्वेश्चन है, जो आपका कॉमन पेपर है सोशियोलॉजी का, मतलब अपने सब्जेक्ट के लेवल पर अगर बात की जाए तो वो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि फिर वहां पर सभी लोग नेट जेआरएफ और इस तरीके से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो भी। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन होता है छात्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एमपी स्पेशल को लेकर के बहुत ही फोकस रहते हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि लगभग कितना भी कम हो जाए तो 30-35 क्वेश्चन, मतलब ये मिनिमम है, और अगर अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में वो बनाते हैं तो 35-40 क्वेश्चन तो आपको एमपी स्पेशल से जोड़ करके देते हैं, चाहे वो एमपी के हिस्ट्री को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, ये सब पार्ट बनते हैं। जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की घटना और जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है छात्रों, वो मुश्किल से 10 क्वेश्चन, ठीक है, तो हमने अभी जो बताया कि 10-5 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 5 अंतरराष्ट्रीय घटना, 5-8 क्वेश्चन ये, और 2 कंप्यूटर मान के चलिए, 2-3 कंप्यूटर, तो वो हम एक मान के चलते हैं कि 10-12, या हम इसको मान के चलते हैं थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा वो नहीं पूछते हैं आउटर के क्वेश्चन, यानी लगभग मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन तो वो अपना मान के चलिए कि फिक्स रहता है उनका, ठीक है, कोई बहुत पेपर कोई इधर उधर किया तब जाकर के 30 क्वेश्चन, लेकिन तो भी 30 से नीचे उतरना संभव नहीं है, इसलिए आपको ये पार्ट फोकस करके चलना। अभी आपने देखा होगा छात्रों की जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी अभी लास्ट टाइम, जो है तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने एमपी के अंदर में सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बाद में वहां से रिजाइन करके और यूपी के अंदर में ज्वाइन किए, तो या बहुत सारे एमपी के स्टूडेंट हैं जो यूपी के अंदर में ज्वाइन है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में हो गए, कैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में होंगे, चूंकि आपने एनटीएनएट क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा आपको उत्तीर्ण किया है, तो आप पूरे राष्ट्र के अंदर में कहीं भी उस विषय को आप पढ़ाने के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर योग्य व्यक्ति हैं तो आपका निश्चित रूप से कोई भी आयोग हो आपका स्वागत ही करता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है जो यूपी के अंदर में 1-2 नंबर से रुक गए थे, चूंकि हाई लेवल कॉम्पिटिशन, तो इतनी बड़ी वैकेंसी के साथ में, मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी वैकेंसी के साथ में आपको बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन से शेड्यूल वगैरह सब पहले से फिक्स है, ठीक है, ये आप इसको पहले से जान के रखें,
ये सारी चीजें आपकी फिक्स हैं पहले से, मतलब नियत है, तो जरूरत है आपके फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, कि कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो भाई छात्रों, ये जो काम जो मॉक टेस्ट क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, आपको करना क्या है, जैसे हम ये जो पार्ट आपको डिस्कस करा रहे हैं इसको पीडीएफ में भी भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको लेकर के एक बार प्रिंट आउट ले लेना। ज्यादातर संभावना तो ये बननी चाहिए कि आपको अपने हैंड राइटिंग में छोटा छोटा लिख लेना चाहिए शॉर्टकट में छात्रों, ठीक है। लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं तो प्रिंट आउट करके इसको रखे रहिए अपने पास में। दूसरी चीज है फिर क्या करना है आपको कि ये प्रैक्टिस, मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चन निकल करके वो आपके पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो जो 50 क्वेश्चन हम बनाते हैं उस जीएस के अंदर में, तो वहां पर अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये मान के चलिए कि अगर 35 क्वेश्चन के आसपास में अगर सही हो जाते हैं आपके, यानी 35 के आसपास में, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि तब आप फाइटिंग शुरू करेंगे। ये आप मिनिमम मान करके चलिए कि अगर आप 35 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तब आप फाइटिंग में आना शुरू करेंगे। उसके नीचे जाने का मतलब मिनिमम मान के चलिए, बहुत अच्छे अगर स्कॉलर रहेंगे और आप सोशियो के, तो भी आप 32-35 ये आपको रेंज देना ही देना पड़ेगा। 30-35 क्वेश्चन आपको मिनिमम लेकर के चलना है, ठीक है। अच्छे हैं तो उसके लिए तो सो फार सो गुड, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए 30-35 क्वेश्चन। और छात्रों, जब एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो, सब सारी चीजें हो, तो आपको निश्चित रूप से एक बार अपना पोटेंशियल यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सोशियो आपको अच्छा आ रहा है, आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी तेज थे वो सब ऑलरेडी इसके अंदर में जुड़ करके, मैंने देखा जितने भी अच्छे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं यूपीएचएससी के अंदर में, वो सब ऑलरेडी एमपी के अंदर में आ गए और अच्छा बेहतर रिस्पांस कर पा रहे हैं, मतलब अपनी प्रिपरेशन को उन्होंने अच्छा बना दिया। तो जब आपकी सोशियो अच्छी है और आप अच्छा कर रहे हैं जीएस का, आपका करंट अफेयर का पार्ट और उसके बाद में जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑलरेडी आपने करके रखा है और यहाँ भी बताया गया है, तो जब इतने पार्ट को आपने कंप्लीट किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि एमपी स्पेशल को पढ़ करके और निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है छात्रों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग आप कर देंगे, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग की जरूरत नहीं कि हम 40-45 क्वेश्चन सही करें तो हमारा सिलेक्शन होगा, या हम 40+ सही करें तो ही हमारा होगा, नहीं, आपका सिलेक्शन 30-35 के बीच में। लेकिन विश्वास मानिए, अगर जिस भी अभ्यर्थी ने पढ़ के नहीं रखा है, तैयारी करके नहीं रखी है, वो केवल सोशियो के दम पर, या हम पेपर फॉर्म फिल कर दिए तो जाके एग्जाम दे जाएंगे, या केवल गेस के आधार पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रेटजी बना करके चलना होगा। तो जो स्ट्रेटजी हमारे पास में रहती है उसी स्ट्रेटजी को पूरा, कि सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस भेजा, पूरा सिलेबस सामने रखिए और उसकी एक एक यूनिट को पढ़िए, ठीक है। जो भी 6 यूनिटें 5 यूनिटें दी गई हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृत साहित्य है, उसके बारे में पूरा पढ़िए, उसका भूगोल मध्य प्रदेश का उसको पढ़िए, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्र है उसको आप पढ़िए, उसके बाद में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं हैं उनको फोकस करना, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो ये जो इतना 5 यूनिट है छात्रों, इसको आपको फोकस पूरा, तो आप सिलेबस को पूरे कंप्लीट किए, क्योंकि एक भी पार्ट आपने छोड़ा, जैसे मैंने देखा है कि सिंपली एमपी का बच्चा क्या करता है, एमपी स्पेशल के बारे में काफी कुछ जान गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही बात की जाती है कि कंप्यूटर के बारे में वो क्वेश्चन को अच्छा पिकअप करे, तो अगर कंप्यूटर की प्रिपरेशन कहीं से नहीं किया हुआ तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन को वहां जाकर के गलत कर देता है। तो हम ये कहते हैं अगर 3-4 क्वेश्चन मान के चले, चूंकि पूरी की पूरी एक यूनिट है, ठीक है, और एक यूनिट होने का मतलब हो गया कि समटाइम्स तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 क्वेश्चन तक भी मैक्सिमम पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 यूनिट है छात्रों, तो 5 यूनिट का मतलब हो गया कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम तक उठा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन 10 तक उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर 10 क्वेश्चन अगर कंप्यूटर से लग जाता है छात्रों, तो वहां पर वहां के बच्चे के लिए दिक्कत, पता लगा कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो गए। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से कि पूरी यूनिट को एक बार अच्छे से पढ़ें सिलेबस, जब सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाए, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फिर क्या करना होता है, जब भी किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी कि सिलेबस को सामने रख करके उसकी यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसका नोट्स बनाए। जितने भी अभ्यर्थी हैं तो सिलेबस की स्टडी करा, एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लिया, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाया,
फिर उसके बाद में फिर क्या करता है, उसका रिवीजन करे, ठीक है, नोट्स बन गया तो उठा कर रख दिया, नहीं, फिर नोट्स बनाए, रिवीजन करे, और फिर वो मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि मॉक टेस्ट में करेगा ये, भाई मॉक टेस्ट कैसे क्या होता है, मॉक टेस्ट मतलब हो गया कि जहां अच्छे स्टूडेंटों का जमावड़ा एक स्थान पे, तो आपने देखा होगा कि यूपी के बहुत सारे बच्चे वहां जो क्वालिफाई कर जाते हैं, एमपी के बहुत सारे बच्चे यहां क्वालिफाई कर, तो जो भी टॉपर हैं, ठीक है, जैसे आप एनटीए नेट होता है तो आपने देखा होगा कि एनटीए नेट में एक ही पेपर आ रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, उसमें आपकी जो भी, अगर आप अच्छे स्कॉलर हैं तो आपकी परफॉर्मेंस आ जाती है, आप कहीं किसी भी स्टेट के हो, ठीक है। तो ये जब ये मॉक टेस्ट आप देते हैं छात्रों ना, तो फिर वो आपको एक बूस्ट करने का काम करता है कि अभी हमारे कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो छात्रों आप हमारे साथ में लगातार इसको बने रहिए, वन टू वन करके जितने भी हमारे लेक्चर इस पे गए हुए हैं, चाहे कंप्यूटर पे बहुत सारे लेक्चर जा चुके हैं, मैंने ज्योग्राफी स्पेशल पे भी चीजें बताई हैं समझाने के लिए, ठीक है, वो तो जो पार्ट आपको हो चुका है, और खासतौर से ये एक पार्ट जो है कि एमपी सामान्य ज्ञान और सामान्य संरचना के बारे में वहां पर जो डिस्कस किया गया, वो सब सारी चीजें हो चुकी हैं आपकी। अब हम लोग ज्योग्राफी वाला पार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी में रिवर वाला पार्ट इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये है कि आप इन चीजों को आप समझते हुए चलिए एक एक चीजों पर कि कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई भी पार्ट इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए इसी क्रम में हम लोग अब आइए इसको बिना लेट किए हुए, इसको मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था छात्रों, जब भी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद में ये पानी यहां पर भर गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा वाटर फिल हो गया और केवल एक ही महाद्वीप था। तो याद रखना कि पूरा का पूरा जो सागर बना हुआ था उसको हम कहते थे टेथिस सागर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उसको हम टेथिस सागर के रूप में कहते थे, और वहां पर एक ही केवल महाद्वीप था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया कहा जाता था, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो पैंजिया ये सुपर कॉन्टिनेंट के था, यानी इसको हम एक महाद्वीप, ठीक है, एक महाद्वीप जो था वो पैंजिया, और उसके बाद में एक टेथिस सागर वहां पर बना हुआ था, यानी पैंथालसा नाम का एक प्रकार का ओशियन, तो जितना टोटल पानी उसको हम कहेंगे पैंथालसा, ठीक है, तो पैंथालसा नाम का ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट यानी पैंजिया। अब पैंजिया के अंतर में क्या हुआ छात्रों की धीरे धीरे जो आंतरिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के चलते महाद्वीप टूटने लगा, ठीक है, ठीक है, तो महाद्वीप टूट करके 7 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें, तो ये आपको रखना है कि 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट्स में यही टूट जाता है, ठीक है, और टूट करके ये धीरे धीरे ध्रुवों की ओर बढ़ने लगता है, यानी एक नीचे की ओर बढ़ने लगता है जिसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की ओर, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की ओर, तो धीरे धीरे करके ये, तो इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। तो वेगनर महोदय ने, ध्यान रखना कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया और बताया कि ये जो महाद्वीप हैं आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं और कहीं कहीं पर कुछ महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं, तो टेथिस नाम का एक सागर यानी दोनों के बीच में जो छोटा सा बन गया पानी का समूह वो सागर बन जाता है, बड़ा समूह होता है वाटर का, ह्यूज वाटर बॉडी जिसको हम ओशन कहते हैं, तो जो छोटा है वहां टेथिस सागर, और टेथिस सागर यहां पर टकराने लगा, ठीक है, तो टकराया तो वहां पर जब अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी टेथिस सागर जहां पर दो चीजें टकरा जाती हैं, यहां पर जैसे सागर हो लेकिन दो चट्टाने इधर से चट्टाने टकरा गई, तो ये चट्टाने ऊपर की ओर उठ गई और वहीं टेथिस सागर के पास में आज हिमालय का निर्माण हुआ। तो क्लियर हो गया कि हिमालय का निर्माण जो है वो टेथिस सागर के ऊपर हुआ, क्लियर हो गई। दो चीजें हैं कि जब ये पैंजिया नामक जो द्वीप था ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है छात्रों, एक अंगारा लैंड जिसको लारेसिया कहा जाता है और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है, तो एक दो चीजें आपको याद रखना है कि एक जब ये मेजर पार्ट में जो पैंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट है ये जब सेपरेट होता है पार्ट, पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो ऊपर का पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको हम कहते हैं अंगारा लैंड यानी लारेसिया भी उसको कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को छात्रों कहते हैं गोंडवाना, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। अब अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश का जो अगर भूत संरचना की बात की जाए, उत्पत्ति की दृष्टिकोण से बात की जाए कि वो जो भूत धरातल है वो किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है या गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो वो है छात्रों
गोंडवाना लैंड का। तो उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश किसका पार्ट हो गया, गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना अंगारा दैट इज द पार्ट ऑफ पैंजिया, ठीक है, क्लियर हो गया, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। और पैंजिया किस बड़े महासागर में पड़ा हुआ था, पैंथालसा, क्लियर हो गई बात। और पैंजिया ब्रेकअप होता है किसके थ्रू, महाद्वीपीय विस्थापन के थ्रू, और वो सिद्धांत किसने दिया हुआ है, बेगनर महोदय ने। तो इतनी बातें सभी हमें लग रहा है कि सबकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि महाकल्पों एवं चट्टानों से, ठीक है, चट्टान जो सैल है, ठीक है, इन्हीं के समूह के आधार पर सात प्रमुख भागों में हम पूरे, अगर हम लोग बात करें कि जो मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश के भूभाग है, उसको हम सात भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट अगर इसको देखेंगे छात्रों, तो इसको हम सेवन पार्ट्स में, ठीक है, चट्टानों के महाकल्पों और चट्टानों के आधार पर कि विभिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न पार्ट की जो स्थापना हुई है, कहाँ पे किस प्रकार की चट्टाने हैं, तो उनको हम सेवन मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान देते हुए, क्योंकि जैसी भू संरचना होती है उसी के आधार पर वहां पर एग्रीकल्चर, उसी के आधार पर वहां पर खनिज संसाधन, उसी के भू तरह जो भू धरातल ये संरचना, उसी के आधार पर वहां मकान, उसी प्रकार की नदियां, उसी प्रकार के पर्वत पठार, ये सब चीजें आने लगती हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम नदियां पर्वत पहाड़ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां की भू संरचना के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आर्कियन चट्टान सबसे पहले, तो सबसे पुरानी चट्टान के बारे में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है। अब ऐसे है तो क्वेश्चन एमपी स्पेशल वहां पे लिखकर, लेकिन अगर पूछ लिया गया आर्कियन चट्टान तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको जानना जरूरी हो जाता है कि आर्कियन चट्टान ये सर्वाधिक प्राचीन और सबसे कठोर चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कठोर चट्टान के रूप में है और सर्वाधिक प्राचीन चट्टान के रूप में जाना जाता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी कि जो मैग्मा हुआ था, जो पृथ्वी के अंदर में जो मैग्मा था, आग का गोला था, जब वो ठंडा हुआ तो वो जो टाइट हो गया, वो जो पार्ट बन गया, वो आर्कियन चट्टान होता। तो उसमें जीवाश्म का कोई जीव, कोई इस प्रकार की चीजों की बात नहीं की, अर्थात जीवों की उत्पत्ति उस समय हुआ ही नहीं था, ठीक है, जीवों की उस समय आर्कियन चट्टानों में नहीं थी। और अगर हम बात करें कि ऐसी आर्कियन चट्टाने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत है, तो मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टाने किस क्षेत्र में विस्तृत है, बुंदेलखंड में। तो अब ये क्वेश्चन आपको गलत करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना, क्योंकि इतनी चीजें अगर आप जान चुके हैं तो अब आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि छात्रों, कई बार होता है सर कैसे लर्न होगा, है ना, तो लर्न होने के लिए छात्रों होता क्या है कि जैसे बहुत सारी बातें हैं, जब आप अच्छे से करते हैं और लग करके उस पर डिस्कस करते हैं किसी के साथ में, तो चीजें याद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ में बैठ के एक बार पूरे तसल्ली से सुन भर लेंगे ना, तो क्वेश्चन भी सामने है आपके और आंसर भी सामने है, आप गलत नहीं करेंगे, ठीक। बस एक बार यहाँ प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर में आप जा करके एक बार इस क्वेश्चन को टैकल करके और टिक मार के चले आइए कि हाँ सर मैंने एक बार क्वेश्चन को कर भी लिया, ठीक है। चूंकि एक बार सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप जानते तो जरूर है, देखो पढ़े नहीं है तो आप बिल्कुल मना कर देंगे सर आई डोंट नो अबाउट दिस, खत्म हो गया, मतलब वहां पे आपको लग जाएगा ये सब चीजें हम जानते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ करके रखे हैं तो डेफिनेटली मान के चले, क्योंकि ज्यादातर तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों के पास में इतना टाइम ही नहीं है, सारी चीजों को कलेक्ट करने का टाइम नहीं है। आप ये कहते हैं कि सर मैं कंटेंट कलेक्ट करूं कि उसको इकट्ठा करूं कि नोट बनाऊं कि उसको रिविजन करूं कि टेस्ट दूं, खत्म, मतलब इतनी सारी चीजें और आपकी अन्यथा जिम्मेदारियां। तो छात्रों यहाँ पर एक आपको पूरी चीजें कंप्लीट फॉर्मेट में दी जा रही हैं, तो आप उसको करना क्या है, आप अच्छे से बैठ करके सुन लीजिए। जैसे आप कोई सीरियल बैठ करके देखते हैं, आप कोई मूवी बैठ करके देखते हैं, आधे घंटे रेडियो सुनते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ऐसे आप एक घंटे बैठ करके जो भी 20-25 मिनट का इसमें होता, आप बैठ करके उसको अच्छे से सुन लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सुन लिया तो भूल नहीं सकता है, ये एकदम कंफर्म है। और उस चीज को दिमाग में रखते हुए कि भाई जो चीजें हम सुन रहे हैं, जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, उनको हमसे कभी पूछा भी जाएगा, और कब पूछा जाएगा उसका भी समय निर्धारित है कि ठीक है मंडे को पूछा जा रहा है, तो मंडे को क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाएगा, तो हमको तुरंत उठा करके टिक कर देना कि भैया ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टाने की अगर बात की जाएगी तो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। तो प्राचीन की बात की जा रही झांसी की रानी जहां से, तो आप बुंदेलखंड में इसको कर दीजिएगा। अगले हम लोग बात करें, अब थोड़ा सा अब आप चूंकि भूमिका बन गई, अब आपका माइंड सेटअप हो गया कि सर अब दिमाग चलने लगा, पढ़ाइए सर अब खींच करके। तो देखिए थोड़ी देर तक तो हम लोग बातचीत, उसके बाद में फिर
अब अपना स्पीड बनाना शुरू करना है तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने इसका निर्माण कहां पे होता है, ये होता है आर्कियन के क्षरण से। ठीक है, तो जब आर्कियन चट्टानों का क्षरण होता है धीरे धीरे, हवा पानी धूप इन सब चीजों से जैसे जैसे क्षरण होता है तो वहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हो जाता है। यानी इसका अगर हम क्रम देखें तो आर्कियन के बाद में ये यहाँ पर धारवाड़, ये क्रम आ जाता है समटाइम्स कभी कभी क्रम पूजा। और विभिन्न क्षेत्रों में ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं वहां पे, तो अब धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं कहाँ पे, तो बालाघाट में है, जबलपुर में है, छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टाने विस्तृत है मध्य प्रदेश के अंदर में, और उनका नाम अलग अलग है। जैसे बालाघाट, ठीक है, जो बालाघाट का क्षेत्र है जो बेसिकली तांबे की खानों के लिए बहुत फेमस है, तो ये ध्यान रखिएगा ये इसको हम कहते हैं चिल्पी सीरीज। ठीक है, तो बालाघाट में इसको चिल्पी सीरीज कहते हैं, जबलपुर में सिकोली सीरीज कहते हैं, और छिंदवाड़ा में सौसर सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो किस सीरीज की चट्टाने, किस क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने बालाघाट जबलपुर छिंदवाड़ा, और इसको बालाघाट चिल्पी। ठीक है, तो बालाघाट जो है वो चिल्पी, जबलपुर सिकोली और छिंदवाड़ा सौंसर। ठीक है, तो आप इसको क्रम से एक बार ऐसे ही आप इसको, क्योंकि देखिए जब बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा तब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, सिकोली सीरीज की या सौंसर सीरीज की चट्टाने जो है वो कहां पर, तो जब सौंसर सीरीज आ गया, अब धारवाड़ नाम दिया होता तो लोग कहते कि सर मैं तो टैकल कर ले गया, लेकिन जब सौंसर सीरीज दे दिया गया तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये सौंसर सीरीज की चट्टाने ये है क्या। तो वास्तव में चिल्पी सिकोली सौंसर ये एमपी के स्पेशल नाम है जो वहां पर जाने जाते हैं। ठीक है, इन विभिन्न क्षेत्रों में इस नाम से, तो चिल्पी बालाघाट में रहती है, ऐसे आप इसको ध्यान रखें, चिल्पी कहाँ रहती है, बालाघाट में, चिल्पी नाम की बाला है। ठीक है, तो चिल्पी बाला है, सिकोली जबलपुर में, तो सिकोली कहाँ रहती है, जबलपुर में रहती है, और सौंसर ये आपका छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो इसको आपको, तो चिल्पी बाला, जबलपुर सिकोली और छिंदवाड़ा सौंसर, ये क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको एक पार्ट तैयार कर लेना। चलिए ये हो गया, अब हम लोग उसी क्रम में बढ़ेंगे, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया आर्कियन, फिर क्या हो गया धारवाड़, फिर तीसरे नंबर पर कुड़प्पा क्रम। कभी क्रम भी लगाने के लिए आ जाए तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि सर्वाधिक कीमती मेटल इसमें जो पाए जाते हैं, कुड़प्पा सबसे ज्यादा जो कह लीजिए कि सबसे महंगी चट्टानों के रूप में, कीमती चट्टानों के रूप में कुड़प्पा क्रम की चट्टाने कही जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी मेटल हैं वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रीसियस स्टोन वगैरह है वो कहाँ पाए जाते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने कई बार पूछा गया। अब ये है कहाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये कहाँ पे, इसमें क्या क्या चीजें, जैसे क्वार्टजाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, हीरा जो पन्ना की खदान है, ठीक है, चूने का पत्थर हो गया, बालू पत्थर यानी बलुआ पत्थर, हार्न स्टोन हो गया, जैस्पर हो गया, ठीक है, पोर्सलेनाइट हो गया, ये सब चीजें पाई जाती हैं कहाँ पे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंदर में। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बीजावर, बीजावर पन्ना और ग्वालियर में, इसको बीजावर सीरीज की कहते हैं। तो याद रखना कि बीजावर सीरीज की चट्टाने बीजावर पन्ना और ग्वालियर के पास में पाई जाती हैं। तो कुड़प्पा जैसा आर्कियन तो आपको याद ही है, लेकिन आर्कियन से साथ साथ में याद रखना है कि आर्कियन जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड में मैंने बात किया था, तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर के अंदर में स्पेशली कुड़प्पा क्रम की चट्टानों जो बिजावर सीरीज की है, ठीक है, और साथ ही साथ में ग्वालियर सीरीज जो है वो अरावली शैल समूह से जुड़ी हुई है। तो जो ग्वालियर सीरीज है वो अरावली शैल समूह से जुड़ी हुई ग्वालियर सीरीज है, बिजावर पन्ना और ग्वालियर में ये बिजावर सीरीज है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, मेन इसका जो आपको याद करके रखना है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विंध्यन चट्टाने। विंध्यन चट्टानों की अगर हम लोग बात करें तो ये परतदार चट्टाने हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। तो जब भी पहले मध्य प्रदेश का मैप आए तो आप इसको, छात्रों बार बार मैं कह रहा हूं कि देखो ये मैप सही तो नहीं है, हम भी ये जानते हैं कि ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये आपको याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये सही नहीं है, लेकिन हमारे जानने के लिए कुछ तो कम से कम आइडिया लगे कि कहाँ पे क्या है। तो अगर ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर ये वेस्ट हो गया। क्या बोले, उत्तरी पूर्वी, यानी ये जो क्षेत्र है आपका सतना वाला क्षेत्र है, ठीक है, रीवा सतना, ये जो इधर वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर विंध्यन क्रम की यानी विंध्याचल पर्वत वाला जो इधर वाला पार्ट है विंध्यन, ठीक है, तो ये पर्वत वाला पार्ट यहाँ पर परतदार चट्टानों के रूप में उत्तरी पूर्व,
यानी नर्मदा की रिफ्त घाटी के रूप में यहाँ पर विस्तृत है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि विंध्यन है, सतपुड़ा है, ठीक है, तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी यहाँ पर बहते हुए जाती है छात्रों, ठीक है। तो रिफ्ट घाटी बनाने की, यानी दो पर्वत है, ठीक है, विंध्यन है, सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में जो घाटी बनी हुई है नर्मदा की रिफ्ट घाटी, उसी घाटी में ये विंध्यन चट्टाने पाई जाती है, पर्वतदार चट्टाने। क्लियर हो गया। क्या पाया जाता है वहां पर? तो चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, क्वार्टाजाइट, ठीक है, क्वार्टाजाइट जो अग्नि प्रतिरोधक के रूप में कार्य होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुकर वगैरह होते हैं या जो केतलियां हैं, जो गर्म वाली चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो काले रंग का प्लास्टिक टाइप का लगा रहता है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं होता, वो क्वार्टाजाइट होता है, ठीक है, वो अग्नि प्रतिरोधक का काम करता है। क्लियर हो गई बातें? तो भाई ये छात्रों इतना पार्ट आपको, देखो समझते हुए चलना, हमने क्या बताया, कभी भी एक चीज आपको ध्यान रखना है, विद्वान नहीं बनना है कि आप एकदम विद्वता आ जाए, एक चीजें सर आप तो एकदम डिटेल में एक चीजें बता दीजिए, नहीं भाई, इतना डिटेल में बताने लगेंगे तो आप सोशियोलॉजी भूल जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि एक टचअप आपको चलते हुए चलना है और इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब खुद ही निकाल करके आपको दे रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम, बेहतर तैयारी हो गई, काम खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रीवियस पेपर वगैरह भी देख लेंगे, बस यही इतना करना है। जैसे कई बार होता क्या कि आदमी दिमाग को हौच पहुंच की स्थिति में कर देता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो हौच पहुंच नहीं करना, बस ये मान के चलिए कि सब कुछ आसान है, थोड़ा सा हमें मैनेजमेंट बनाने की जरूरत है और सिस्टम को लगाने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टाने, ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक तो लोअर यानी जो निचले लेवल पर होती है, दूसरा मध्य और तीसरा अपर उच्च, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने इनको हम तीन पार्ट में, लोअर, मिडिल और ऊपर वाले पार्ट में। लोअर कहां पे बहुत ही गोंडवाना क्रम की लोअर क्रम में, ये जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, तो मैंने अभी मैप आपको बनाया हुआ था कि मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है मैप, ठीक है, एमपी का मैप मान लीजिए ऐसे बना हुआ है। तो अब यहां पर सतपुड़ा, मैंने बताया कि ये आपका विंध्यन हो गया और विंध्यन के नीचे ये सतपुड़ा सीरीज हो गई, तो जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है यहां पर विस्तृत है लोअर लेवल की चट्टाने। क्लियर हो गई बात? तो लोअर लेवल की जो चट्टाने हैं गोंडवाना क्रम की, और ये बेसिकली खनिज पदार्थों के लिए, क्या यहाँ पर सतपुड़ा के अंदर में जो यहाँ पर है जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है, या ये कोयला, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो मोह पानी और पंच घाटी में, ठीक है, मोह पानी और पंच घाटी में यहाँ पर खनिज कोयला के रूप में फेमस है, तो ये आप ध्यान रखना है आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया। अब मध्यम क्रम की यानी गोंडवाना क्रम की जो मध्यम क्रम की चट्टाने, वो कहाँ पे? वो पंचमढ़ी में, पेंच घाटी, डेनवा, मोह पानी में विस्तृत है। तो ये पेंच घाटी वाला क्षेत्र यानी सतपुड़ा के ऊपर वाला जो पार्ट है पंचमढ़ी, ठीक है, जो पंचमढ़ी वाला क्षेत्र है वहां पर आपका पेंच घाटी, पंचमढ़ी, डेनवा और मोह पानी, यहां पर विस्तृत है कौन सा? यहां पर बलुआ पत्थर है, ठीक है। दो चीजें आपको याद रखना है कि बलुआ पत्थर और उसके बाद में चूना पत्थर। तो चूना पत्थर क्या करता है छात्रों? वो जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर बन जाता है, यानी कि जब रूपांतरित चट्टाने बनती हैं, ठीक है, ये तो परतदार चट्टाने हैं, ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया क्योंकि परत के रूप में है, तो जब चूना पत्थर होता है छात्रों तो वो क्या बनता है? जैसे यहाँ पे बगल में लिखा हुआ चूना पत्थर, तो चूना पत्थर बन जाता है संगमरमर, मार्बल बन जाता है, और बलुआ पत्थर जो है वो एक प्रकार से क्वार्टाजाइट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है जब कायांतरित चट्टान रूपांतरित होता है, मेटामॉर्फिक जो है रॉक्स के रूप में चेंज होता है, उसको बलुआ या चूना पत्थर, ठीक है, तो बलुआ पत्थर कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टाजाइट, तो चूना पत्थर हो जाता है संगमरमर के अंदर में, याद रखें। तो मध्य में बलुआ पत्थर, याद रखना है लोअर लेवल पर क्या है? कोयला है, मध्य वाले लेवल पर बलुआ पत्थर है, और अपर वाले क्षेत्र पर ये चूना पत्थर। तो कोयला और चूना पत्थर अपर है, और ये कहाँ पे? ये बघेल खंड वाले क्षेत्र में, तो कहाँ पर है? बघेल खंड। अब बघेल खंड की अगर हम लोग बात करें तो बघेल खंड कहाँ पर आ जाएगा? ये जो एरिया है इधर का, ठीक है, रीवा सतना के पास में, यहाँ ये आपका बघेल खंड वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर हो गई बात? तो बघेल खंड हो गया, यहाँ पर जब बात करेंगे पंचमढ़ी और ये, तो ये आपका मध्य वाला क्षेत्र हो गया, और जो नीचे लेवल पर बात करने लगेंगे यानी इस सतपुड़ा के नीचे वाला जो भाग है वहां पर आपका मोहपानी और पंचमढ़ी, पंचघाटी, ये जो है आपका, तो अपर, मिडिल, लोअर, याद रखिएगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऊपर चूना पत्थर, चूना थोड़ा सिंगरौली वाला पार्ट है, तो चूना पत्थर कोयला यहाँ पे है, फिर नीचे आ जाएंगे बलुआ पत्थर और नीचे एकदम कोयला, तो इस तरीके से खनिज पदार्थ के रूप में ध्यान रखना।
तो भाई आपने अब तक पांच चट्टानों के रूप में देखा कहाँ कहाँ पर विस्तृत है किस तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया कि मैप को देखने इसका फायदा क्या होता है, आपको चीजें लर्न हो जाती हैं। मतलब बड़ा प्रश्न यही होता है ना कि सर सब कुछ तो लिखा पड़ा है सारी चीजें, लेकिन हम मेमोराइज कैसे कर पाएंगे। तो आप इनको सुनते चलिए, थोड़े बहुत ऐसी चीजें करते चलिए, बस आसान है, लर्न हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्रिटेशस, इसके बाद में क्रिटेशस कल्प की जो चट्टाने हैं, ठीक है, ये कल्प के रूप में देखा गया। यहाँ पर अभी तक हम लोग चट्टान के रूप में बात कर रहे थे, गोंडवाना क्रम, विंध्यन क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की, धारवाड़ की, आर्कियन, तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ठीक है, और विंध्यन, गोंडवाना, ये पांचों क्रम की चट्टाने कई बार सीरीज मिलाने के लिए आ जाता है। आप इसको जरूर मतलब इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, जैसे आर्कियन हो गया फिर कुड़प्पा हो गया, ठीक है, आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ये आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ठीक है, और उसके बाद में विंध्यन, विंध्यन और गोंडवाना, ठीक है, विंध्यन और गोंडवाना, ठीक है, आधा उवी गो आ, इसको आप ऐसे करके आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और उसके बाद में विंध्यन और गोंडवाना, तो आप इसको कैसे लर्न करके रखेंगे, आधा, ठीक है, आधा कुबी गो, ठीक है, आधा कुबी गो, आप ऐसे करके लर्न, आधा, आधा तो मतलब हो गया, आधा तो हो गया, ठीक है, तो आधा कुबी गो, आधा कुबी गो, ये आप लर्न करके रखिए, खत्म, समझ लीजिए, अब आपका कभी गल आधा कुबी गो, ये आपको आधा तो वैसे आधा क्लियर हो गया, आधा, आधा से जुड़ा हुआ, यानी आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और उसके बाद में विंध्यन, गो, गो लास्ट में गो, खत्म, ठीक है, तो गो हो गया, तो ये गोंडवाना, तो ये भैया इसको आप लर्न करके रखो, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि पढ़े वढ़े सब लोग रहते हैं, सब लोग जाने रहते हैं, लेकिन जब वहां पर फाइनली लिखने के लिए आता है और ये बातें आती हैं कि कौन सा क्रम सही नहीं है, तो वहां पे होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में जब आप ये सब सारे नाम पूरे पूरे लिखे रहते हैं, वहां होता कंफ्यूजन की सर ये लर्न कैसे, तो आप उसका कुछ अपना ट्रिक व्रिक बना करके रखिए कि वहां पर, क्यों मैंने बार बार कहा कि सारा खेल ये कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि एक सही किया, अब ऐसा क्वेश्चन आया आपको लग भी रहा हम जानते हैं पढ़े थे लेकिन हम गलत कर पा रहे हैं समझ नहीं, तो जाइए चार नंबर आपका चला गया सामने से, लेकिन जैसे इस पे ट्रिक अगर आपका हुआ लीजिए चार नंबर बना दिया, तो एक एक नंबर का खेल है छात्रों, ठीक है, क्लियर हो गई बात, चलिए अगला हम लोग देते हैं। तो अब यहाँ पर क्रिटेशस कल्प का, जो क्रिटेशस कल्प है बहुत प्राचीन कल्प के रूप में, तो उस समय जो है कैसा स्थित बनी हुई थी, तीन उपभाग में थे, एक तो नर्मदा घाटी, ठीक है, दूसरा लमेटा सीरीज और तीसरा दक्कन ट्रैप, तीन पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नर्मदा घाटी इसको हम बाघ सीरीज कहते हैं, ठीक है, लमेटा सीरीज इसमें जो क्ले है, जीवाश्म अवशेष है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब लमेटा सीरीज के अंदर में पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप यानी दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश जैसे इंदौर वाला, भोपाल वाला, जबलपुर वाला जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं। तो भैया यहाँ फिर से एक बार मैप को देखेंगे, बार बार मैप को देखते हुए चलेंगे, मैंने क्या कहा मैप बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमारे जानने और समझने की शक्ति को क्या करता है छात्रों, ये बढ़ा देता है। अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा घाटी, जब नर्मदा रिवर यहाँ से चली और इस तरीके से बह के यहाँ पे आ गई, नर्मदा यहाँ, यहाँ पर विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है, और ये नीचे अजंता, ठीक है, अजंता क्रम की जो सीरीज है, तो तीन चीजें, ऊपर वाला पार्ट ये क्या हो गया, ये आपका विंध्यन हो गया, यहाँ मतलब इसको विंध्यन हो गया, ये आपका क्या हो गया, सतपुड़ा हो गया, तो विंध्यन, सतपुड़ा और नीचे जो पार्ट है ये आपका, ये हो गया अजंता की गुफाएं, ठीक है, मतलब अजंता सीरीज की चट्टाने, तो अजंता सीरीज हो गया। तो ये जो तीनों पार्ट है, अब इन्हीं के बीच में देखिए, विंध्यन, सतपुड़ा के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है, वो आपकी रिवर कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी नर्मदा, और सतपुड़ा और जो सतपुड़ा वाला पार्ट है और उसके नीचे का पार्ट जो है वो वहां पर किस सीरीज की जो है कौन सी चीज, वहां पर ताप्ती रिवर चल रही है, तो ये याद रखिएगा कि सतपुड़ा के नीचे जो पार्ट है वो ताप्ती सीरीज की चीजें, तो विंध्यन है, सतपुड़ा है और साथ ही साथ में जो है, तो यहां पर छात्रों क्या हो गया, अजंता, ठीक है।
तो यहाँ पर तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि विंध्यन, सतपुड़ा और अजंता, ये तीनों चीजें आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि विंध्यन सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, ठीक है, यानी विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा घाटी बनी हुई है और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती, ठीक है, तो तापी नदी है, जो ताप्ती है ये इसके बीच में फ्लो कर रही, तो यहां पर क्या, और जब ये हम बात कर रहे हैं कि जो ये पार्ट है आपका दक्षिणी ट्रैप यानी दक्कन ट्रैप यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है अगर आप इसको देखें, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है देखिए ये साउथ और वेस्ट, ठीक है, तो साउथ वेस्ट के पार्ट में यानी यहां पर ये जो पार्ट है ये दक्कन ट्रैप, और यहीं पर अगर आप देखेंगे छात्रों तो यहां पर भोपाल ऊपर, नीचे इंदौर और यहां पर जबलपुर, तो भोपाल इंदौर जबलपुर, थोड़ा सा दूसरे कलर से हम एक बार कर दे रहे हैं, भोपाल इंदौर और यहां पर जबलपुर, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये दक्कन ट्रैप वाले पार्ट में है, ठीक है, तो देखिए ये जो चीजें बनी हुई है इनको यहाँ आपको लर्न करके रखना है, माइंड सेटअप करके रखना, क्योंकि जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन को गैस भी करेंगे ना तो ये सब चीजें अगर आपको नहीं आएंगी, माइंड में सेटअप नहीं रहेंगे तो आप नहीं गैस कर पाएंगे, तो इसलिए आप इनको मेमोराइज करके चलिए। तो दक्कन ट्रैप के अंदर में यहाँ बेसाल्ट ज्वालामुखी अग्नेय चट्टान है, तो दक्कन ट्रैप जो बना हुआ ज्वालामुखी अग्नेय चट्टानों से बना हुआ, अर्थात यहाँ पर भी जो तीनों शहर देख रहे हैं आप, इंदौर, भोपाल और जबलपुर, वो किस प्रकार की चट्टानों के ऊपर निर्मित हैं, वो छात्रों बेसाल्ट ज्वालामुखी अग्नेय चट्टानों, याद रखिए बेसाल्ट ज्वालामुखी अग्नेय चट्टानों पर, ठीक है, ज्वालामुखी अग्नेय चट्टानों पर बने हुए, क्लियर हो गई बात, ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग इसमें अगले स्टेप पर बात करेंगे, टर्सरी कल्प की चट्टाने, ठीक है, सेवन नंबर पर टर्सरी और लास्ट है, इसी को देख लेंगे, तो टर्सरी जब कल्प आया तो इस कल्प के अंदर में नवीन चट्टाने बनने लगी, क्या बनने लगी, इनका निर्माण हुआ नर्मदा सोन नदी की घाटी, नर्मदा और सोन नदी की घाटी, तो नर्मदा और सोन नदी की घाटी वाले भूभाग के धसने से उत्तर का संपूर्ण पठार ऊपर उठ जाने से निर्माण हुआ, यानी टर्सरी कल्प की चट्टाने कब बनी, जो नर्मदा और सोन नदी घाटी वाले भूभाग के धसने से उत्तर का संपूर्ण पठार जो है ऊपर उठ जाने से हुआ, मतलब इसको अगर हम लोग मैप के रूप में अगर देखें छात्रों तो आप बेहतर कर पाएंगे कि ऐसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये मैप बन गया, ठीक है, अब अगर यहां पर देखें तो ये जो आपका नर्मदा यहां से फ्लो कर गई, ठीक है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ये आपका नर्मदा यहां से फ्लो कर गई और इधर की तरफ में ये सोन रिवर फ्लो कर गई, ठीक है, सोन रिवर फ्लो कर गई, ये दोनों का उद्गम स्थल लगभग लगभग एक जगह पे, ठीक है, तो सोन रिवर ऊपर की तरफ में, नर्मदा इधर की तरफ, तो ये जब इसका जो पार्ट है ये जब यहाँ रिवर आने लगी तो यहां पर ये पार्ट धंस गया, ठीक है, क्योंकि रिवर फ्लो करेगी तो वो, और इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, यन में ले गया तो ये थोड़ा सा भाग क्या होगा, ये भाग छात्रों थोड़ा सा उठ जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है, इसके कंपेरिजन में ये उठ गया, ये धस गया, ये उठा उठा, तो ये जो बेल्ट पे यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पर टर्सरी कल्प की चट्टाने बनी, तो टर्सरी कल्प में इन चट्टानों को निर्माण हुआ नर्मदा और सोन घाटी के उठे वाले भाग में, ठीक है, भूभाग के धसने से जो उत्तर का संपूर्ण पठार ऊपर उठ जाने से टर्सरी कल्प की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इतने पार्ट को छात्रों, तो जितनी चीजों को मैंने बताया आज, हमें आशा है कि आप चीजों को ध्यान देते हुए चले होंगे और थोड़ा सा समझने की, मतलब यूज टू होने की कोशिश करेंगे कि अब सर ठीक लग रहा है, अब हम भी अपना निर्माण करेंगे, हम भी अपना मेढक बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से अपना चीजों को बनाना शुरू करिए, कुछ न कुछ डिजाइनिंग बनेगी, तैयारी होगी और निश्चित रूप से आगे बेहतर करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लें, पीडीएफ इसका निकाल लें और उसको पढ़ करके वन टू वन करके चीजों को लगा करके चलते रहें। धन्यवाद।